गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अभी रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी हम लोगों ने पहले फर्स्ट पैराग्राफ तक फिनिश किया था पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 में अब कंटिन्यू करते हैं। मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। काफ़ी मुस्लिम जो थे शुरुआत में इंग्लिश एजुकेशन से बहुत ही प्रभावित हो रहे थे और इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे, और जब लेकिन जो वहाबी मूवमेंट हुआ उससे वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ उन्होंने एक जंग शुरू कर दी थी। हावेवर ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ उलेमा अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स। नाउ लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी रिफॉर्मर्स जो थे, अभी जैसे कि हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि दो रिफॉर्मर्स थे जैसे कि हजी सरीतुल्ला और दूसरे सर सैयद अहमद खान, तो ये दोनों क्या चाहते थे कि इनके भी कम्युनिटी में बदलाव आए। जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है उसमें जैसे कि जो इविल प्रैक्टिस होती है ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। लेकिन उलेमा करके जो थे उनके कम्युनिटी के मेंबर, उनका जो नेचर था वो ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स हम लोगों को पता है कि ऑर्थोडॉक्स नेचर क्या होता है, जब भी कोई भी इंसान अपने रिलीजन के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा भावुक रहता है उसे ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। तो वो अपने कम्युनिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, उनका जो नेचर था वो ऑर्थोडॉक्स था। वो ये नहीं चाहते थे कि एकदम से हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लें, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में इतना बदलाव देखने को नहीं मिला था। अब वो आगे हम पढ़ेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स। बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो नहीं कर पाए, इंग्लिश एजुकेशन नहीं कर पाए, सोशल अवेयरनेस नहीं हुई उनमें, और ना ही कुछ रिफॉर्म्स बन पाए। क्यों? क्योंकि जो उलेमा करके उनके मेंबर थे कम्युनिटी के, उनका जो नेचर था वो ऑर्थोडॉक्स नेचर था, और उनका बस यही मानना था कि इस्लामिक धर्म को अपनाओ और बाकी कोई भी इंग्लिश एजुकेशन या कोई भी और चेंजेस हमारे कम्युनिटी में हमको नहीं लाने हैं। तो यही चीज़ों को फॉलो करते करते मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा इस चीज़ का असर नहीं दिखा। दैट इज़ वाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम एंड सब्सिक्वेंट राइज ऑफ मिडिल क्लास वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसीलिए जो एजुकेशन था, जो मुस्लिम लोगों को एजुकेशन मिलने की जो बात चल रही थी, और मिडिल क्लास में जो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास के अंदर एक राइज आए या एक बदलाव आए, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री बदलाव नहीं हुआ। इसका नेचर किसके नेचर के वजह से, जो उलेमा का जो नेचर था उनके वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सर सैयद अहमद खान was born in an aristocratic family. During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. Sir Syed Ahmed Khan जो थे वो aristocratic family में belong करते थे, मतलब एक अच्छी family में उन्होंने जन्म लिया था। और लेकिन जब revolt हुआ था 1857 में, तो वो East India Company के ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते थे और कंपनी के लिए बहुत ही लॉयल थे। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 सेंचुरी ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट। अब जैसे ही रिटायरमेंट हुआ उनका 1869 के बाद, तो वो वैसे ही इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर जो लिबरल आइडियाज़ थे वेस्ट लोगों के, वेस्टर्न कल्चर से वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए। ही एडवोकेट द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीन टू रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड बैकवर्डनेस। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उनका एक आइडिया, उनको एक ऐसा आइडिया मिला ताकि वो इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक चेंजेस लाए। जो ऑर्थोडॉक्स लोगों का जो एटीट्यूड है, जो वो हमेशा मतलब पिछली जाति से वो बिलोंग करते हैं, एक ही धर्म को मानना, अलग अलग इविल कस्टम्स को मानते रहना, तो ये सारी चीज़ों को चेंजेस लाने के लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का
इंग्लिश एजुकेशन लाना ज़रूरी समझा. ही स्टार्टेड अ मैगजीन नेमली तहजीब उल अखलाक अखलक इन 1870 सेंचुरी. अब उन्होंने एक मैगजीन बनाई जिसका नाम था तहजीब उल अखलक, जो कि 1870 सेंचुरी में उन्होंने बनाई थी. ही एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875 सेंचुरी, विच इज़ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इस्टैब्लिश किया 1875 में, और अलीगढ़ जिसको आज के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है. ही ट्रांसलेटेड द बुक ऑफ इंग्लिश लेक्चर एंड साइंस इन उर्दू लैंग्वेज एंड ट्राई टू मेक द मुस्लिम फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट. उन्होंने क्या किया, जो भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक थी, जो भी साइंस की बुक थी, उन बुक्स को उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि मुस्लिम लोग जो है, जो इस्लामिक धर्म है उनका, जो मुस्लिम की जो अलग लैंग्वेज होती है, उनकी मुस्लिम की कम्युनिटी जो है वो इससे फैमिलियर हो सके, और उसके बाद में उनको जो वेस्टर्न नॉलेज है वो भी उनको मिल सके. इसीलिए उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. ही अपोज द वेल सिस्टम बुरखा प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडोरी मैरिज. अब उन्होंने किसके खिलाफ कदम उठाए थे, उनकी कम्युनिटी में जो बुरखा प्रथा होती थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उनकी कम्युनिटी में, वो ये था जो उन्होंने उनको चेंजेस लाने थे कि चाइल्ड मैरिज बचपन से ही, हर कास्टिज्म में चाइल्ड मैरिज होती थी पहले, तो चाइल्ड मैरिज में भी बदलाव आए, ये भी उनको देखना था. अब थर्ड जो था वो क्या था, एडवोकेट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों को पढ़ाना, और जो भी लड़की की शादी हो जाती है और उसका हस्बैंड मर जाता है, वो जब विडो हो जाती है तो उसकी वापस से शादी नहीं करवाना, ये सारी चीज़ों के वो ख़िलाफ़ थे. वो उनका मानना क्या था कि अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है और उसका हस्बैंड कोई भी रीज़न से अगर मर जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी वापस शादी ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विडो रीमैरिज के वो अगेंस्ट थे. तो ये सारी चीज़ें और ये सारे बदलाव जो थे वो किसने करे थे, सर सैयद अहमद खान. अब हम पढ़ेंगे सिख कम्युनिटी के बारे में. सिख कम्युनिटी, द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th century also influenced the Sikh community. Now, जो भी reforms आए थे 19th century में, वो सारे reforms Sikh community को भी influence किया था, उनको भी influence किया था. Now, Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee was formed with an objective to reorganize the religious practice and remove the evil practice from the Gurudwars. अब जैसे ही 19th सेंचुरी में इतने सारे अलग अलग कास्ट में जो चेंजेस आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में जो चेंजेस आ रहे थे, वो चेंजेस देखकर सिख कम्युनिटी ने भी उस रिफॉर्म को, उस चेंजेस को अपनाना ज़रूरी समझा, और उनके जो गुरुद्वार थे वहाँ पे जो भी इविल प्रैक्टिस होती थी उसे भी उन्होंने ख़त्म किया. टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलीजियस एजुकेशन टू सिख, उसी तरह से उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन दिया, उनके जो रिलीजियस एजुकेशन थे सिख के, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन वहाँ पे भी प्रोवाइड करवाए. खालसा कॉलेज इन अमृतसर वाज एस्टैब्लिश अलोंग विद मेनी अदर स्कूल. खालसा कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया अमृतसर में, और उसी के साथ साथ बहुत सारे स्कूल को भी ओपन किया गया. अब आते हैं पारसी कम्युनिटी में. पारसी कम्युनिटी में क्या चेंजेस आए, द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश रहनुमा ए मजदयानी सभा इन 1851 फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड दादाबाई नवरोजी वॉज अ लीडर ऑफ दिस सभा. नाउ पारसी यंगस्टर जो थे उनके पास भी इंग्लिश एजुकेशन था, तो उन्होंने क्या किया, रहनुमा ए मजदयानी सभा इस्टैब्लिश की 1851 में, और उनके जो लीडर थे वो थे दादा भाई नवरोजी. ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि वो वॉज द लीडर ऑफ द सभा रहनुमा ए मजदयानी इन 1851. सो व्हाट विल बी योर आंसर, दादा भाई नवरोजी. ओके, सो ये जो सभा थी इसका क्या मकसद था, इसका भी सेम
मकसद था कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो, ताकि इविल कस्टम्स जैसी जो प्रथाएं चलती आ रही है उनके भी कम्युनिटी में वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल्स बनाया जाए, ताकि लोगों को मदद मिल सके। दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियोडिकल नेमली रस्ता गुफ्तर, ये सभा ने स्टार्ट किया पीरियोडिकली जिसका नाम था रस्ता गुफ्तर। इट गेव इम्पिटस टू रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकिंग ऑफ द पारसीज। ये जो चीज़ हुई थी या ये जो सभा हुई थी या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, और जिससे पारसीज के काफ़ी लोग जो थे वो इसके वजह से उनके अंदर एक जागरूकता आई थी, और वो अब इविल कस्टम से या हम कह सकते हैं कि ये सारी जो बुरी चीज़ें हो रही थी उससे वो बाहर निकल के आए। के आर कामा एंड बैरम जी मलबरी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। कामा के आर कामा एंड बैराम जी मलबरी ने भी कंट्रीब्यूट किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में, उनकी ही कम्युनिटी जो कि पारसी कम्युनिटी थी उनमें। कामा लेड एम्फोसाइज ऑन प्रोपगेशन ऑफ एजुकेशन एंड मलबरी एम्फोसाइज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। अब पारसीज में जो लीडर थे कामा, उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया कि एजुकेशन ज़्यादा आना चाहिए, और मलबरी जो थे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्यों? ताकि वुमेन को जो है वो ताकत मिल सके, वुमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको पावर मिल सके। दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो री मैरिजेस। अब उनका ये भी मानना था कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वो नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने एनकरेज किया उनके कम्युनिटी को कि जो विडो लोग हैं उनकी वापस से री मैरिज होनी चाहिए। Due to efforts of Mulberry, the government passed a law fixing the minimum age for the marriage in 1891 century. Efforts देखते हुए, Mulberry के efforts देखते हुए government ने एक law pass किया। वो law क्या का, उस law का मकसद क्या था कि एक particular age रखी जाए, तो वही particular age में लड़का और लड़की की शादी कराई जाए। अब जो हमारे इंडिया में लड़की की शादी कब हो सकती है, 18 एज के बाद में लड़की की शादी जो है वो हो सकती है, और एक लड़के की शादी कब हो सकती है, आफ्टर द ईयर ऑफ और एट द एज ऑफ 21 ही कैन गेट मैरिड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रिफॉर्मर हुज नेम इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले जो थे वो कहाँ के सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र के। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857 सेंचुरी। उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन की पुणे में, और ये कब की बात है, 1857 सेंचुरी की। ही हेल्प द विडोज टू री मैरी। उन्होंने हेल्प की ताकि उनकी कम्युनिटी में जो विडोज लोग हैं वो रीमैरी कर सके, उनकी शादी वापस से हो सके। ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। अब ये जो इंसान थे ज्योतिबा फुले, ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको चैलेंज कर दिया, और उनको चैलेंज किया जो अथॉरिटी थे ब्राह्मण्स के उनके सोसाइटी में, उनके अगेंस्ट में जाके उनके खिलाफ वो हो गए। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण्स होते हैं या जो भी उनके पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लड़कियों की जल्दी से शादी करवा देना, विडो की रीमैरिज ना करवाना, ऐसे काफ़ी सारी इविल कस्टम्स को वो मानते हैं। तो ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने ब्राह्मण्स के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया था उनके सोसाइटी में। ही एस्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस करेज एंड एंथुजियाज्म इन पीपल।
अब इन्होंने सत्य शोधक समाज इस्टैब्लिश किया ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए, एक हिम्मत आए और एक एंथुजियाज़म आए. एंथुजियाज़म का मतलब होता है एक जोश आए. ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ठक्कर बाप्पा. ठक्कर बाप्पा कंट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ अखिल हिंद हरिजन संघ इस्टैब्लिश बाय गांधी जी was very valuable in upliftment of untouchables, that is Harijan. He worked tirelessly to provide relief to people affected by natural calamities. Now, Thakkar Bapa jo reformer the, unhone Akhil Hind Harijan Sangh jo sabha thi, usme contribution diya tha apna, jo ki Gandhi ji ke तौर पे एस्टैब्लिश हुई थी या गांधी जी के समय एस्टैब्लिश की गई थी. अब ये जो सभा थी ये क्या करती थी, इसका काम क्या था कि लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, जो अनटचेबल लोग हैं जिन्हें हरिजन कहा जाता है उन्हें अपलिफ्ट किया जाए. अब ये जो सभा थी ये उन लोगों के लिए थी जो कि अनटचेबल थे, जिन्हें हरिजन कहा जाता था. अब उनको समाज में इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, इक्वलिटी नहीं थी हमारे समाज में. तो ये जो गांधी जी ने इस्टैब्लिश किया था अखिल हिंद हरिजन संघ सभा, जिसमें लोगों को अपलिफ्ट किया जाता था और उन लोगों को जो अनटचेबल जिन्हें कहा जाता था उन्हें, उन्होंने टायरलेसली यानी कि बहुत मेहनत से कंटिन्यू रिलीफ प्रोवाइड की लोगों को, ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज से अफेक्टेड है उन्हें घर नहीं मिलता. जैसे कि कोई बाढ़ आ जाती है तो उनका घर चला जाता है, उनको कोई पूछता तक नहीं है. ऐसे जो लोग हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज से अपना घर खो चुके हैं, अपना कोई भी छत खो चुके हैं, अपना काम उन्होंने खो दिया है, तो उन लोगों का जो ध्यान रखना था वो ठक्कर बापा उन लोगों का ध्यान रखते थे. अमृतलाल ठक्कर पॉपुलरली नोन एज ठक्कर बापा वॉज बॉर्न इन 1869 सेंचुरी इन द सिटी ऑफ भावनगर. अब अमृतलाल ठक्कर जो है उन्हें पॉपुलरली ठक्कर बापा कहा जाता था, जो कि 1869 में पैदा हुए थे. 1869 उनका बॉर्न डेट है और वो कहाँ पर हुए थे, भावनगर में. He remained a dutiful and devoted servant of people throughout his life. उन्होंने पूरी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने लोगों के लिए ही निकाल दी. लोगों के सर्वेंट बन के उन्होंने पूरी अपनी लाइफ निकाली. He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhiji. Gandhiji se inspired hone ke baad inhone apni jo job thi wo chhod di, taki jo downward log hai, jin jo gareeb log hai unki wo seva kar sake. Thakkar Bapa established the Panchmahal Bheel Seva Mandal and tried to reform the lives of Bheels who inhabited the डीप फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज़ ऑफ पंचमहल रीजन. अब ठक्कर बापा ने पंचमहल भील सेवा मंडल ओपन किया, एस्टैब्लिश किया, ताकि जो भील लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते थे उन्हें क्या क्या किया जाए, उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए, अच्छी एक लाइफ दी जाए. जो हिली एरियाज़ में लोग होते हैं, जो पंचमहल रीजन में जो था, वहाँ पर ठक्कर बापा ने लोगों की बहुत सेवा की थी. ठक्कर बापा एंड हिज फॉलोअर्स फ्रीड द भील्स फ्रॉम एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, अदर इविल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशन. ठक्कर बापा और उसके उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भील्स लोगों को एडिक्शन जो थे वो लोग, अब कैसा होता है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या जो लोग इविल कस्टम्स में या सुपरस्टिशंस को जो लोग मान रहे थे, वो कुछ लोग क्या थे, अल्कोहल कंज्यूम करते थे, कुछ इविल कस्टम्स को बहुत ज़्यादा मानते थे, कुछ लोग जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे. तो ये सारे लोगों को सही रास्ते पर लाना,
सही काम देना, सही एजुकेशन देना, उनकी लाइफ को बेटर बनाना, ये सारी चीज़ें ठक्कर बापा ने की थी अपने पूरे लाइफ में। और इन्हीं चीज़ों के पीछे उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी ताकि वो लोगों की भलाई कर सके। और वो इतना काम करते थे पूरा दिन, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल कैलामिटीज़ अगर होती थी तो वो टायरलेसली वो काम करते थे लोगों के लिए, ताकि क्या हो सके, लोगों को प्रॉपर घर मिल सके, या जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम फेस ना कर सके, अब वो प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, इस चीज़ का वो ध्यान रखते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो किस से इंस्पायर्ड होके कर रहे थे? गांधी जी से। नाउ ही ओपन स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन। अब भील, जैसे कि मैंने बताया, भील चिल्ड्रन के लिए, भील चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, उनके लिए उन्होंने स्कूल ओपन किया, जिन्हें हम पहले लोअर कास्ट के लोग कहते थे। तो वो जो भील लोग थे उनके लिए उन्होंने स्कूल ओपन किया। ही थॉट देम हाउ टू ऑपरेट अ स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि ठक्कर बापा जो थे उन्होंने भील लोगों को ज़्यादा, उन्होंने भील लोगों का ज़्यादा ध्यान दिया था उनके ऊपर, उन्होंने उनके लिए स्कूल भी प्रोवाइड की थी और उन्होंने उनको सिखाया था कि किस तरह से जो स्पिनिंग व्हील है वो प्रोड्यूस करता है खादी को। ये उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरह से स्पिनिंग व्हील को ऑपरेट किया जाता है, और उन्होंने स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में भील लोगों को इन्वॉल्व किया। नाउ एज टाइम पास्ड अवेकिंग एंड नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द पीपल विच कनेक्टेड देम बेटर विद द फ्रीडम मूवमेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वैसे वैसे लोग में जागरूकता आने लगी, नेशनलिज्म की, राष्ट्रता की भावना जगने लगी, हर एक लोगों में ये चीज़ें होने लगी, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होने लगे और वो फ्रीडम मूवमेंट को इन्जॉय करने लगे। गांधी जी एम्फसिस अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। गांधी जी ने किस चीज़ के ऊपर जोर लगाया कि जो अनटचेबिलिटी है, जो कंडीशन है लोगों की, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनको क्या कर दिया जाए, उनको उस चीज़ से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो लोगों के साथ इक्वली रहे। तो उन्होंने, गांधी जी ने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो जोर दिया था, जो भील लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उन्हें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ ये तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, ठक्कर बापा के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्न अबाउट द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। ओके, नाउ what we got to know about our Indian society in 19th century. Indian society was infested with the various social evils like superstitious, illiteracy, ignorance, civil custom system, caste system, etc. ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारे भारत संस्कृति में, या हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ों के वजह से ही हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पीछे रहती थी हमेशा। तो जो कंडीशन थी वुमेंस की वो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसमें कैसा होता था कि अगर कोई बच्ची होती है तो उन्हें फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी गर्ल जो होती है उनको फुल कंटेनर के, जो दूध होता है कंटेनर से भरा हुआ, उसके अंदर फेंक के मार दिया जाता था। सती प्रथा होती थी, जिसका भी हस्बैंड अगर मर जाता है चाहे किसी भी रीज़न से हो, वो पर्टिकुलर उसकी जो वाइफ है उसको भी साथ ही साथ में उनको भी जला दिया जाता था उनके हस्बैंड के साथ में। तो इस तरीके की जो प्रथा थी वो हमारे समाज में काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। लेकिन जब कोई भी चीज़ें गलत पे गलत जब होते रहता है, तब क्या होता है कि कोई ना कोई तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाला खड़ा होता ही है। तो इसी तरह से जो फर्स्ट रिफॉर्मर हमारे इंडिया में आए थे, या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट रिफॉर्मर थे, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय,
जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, राधानगर विलेज के थे, बंगाल डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1772 सेंचुरी। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, या व्हाट वाज द बॉर्न डेट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सो व्हाट वी विल गोना राइट, राजा राम मोहन रॉय वाज बॉर्न इन द ईयर 1772 सेंचुरी इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली। ओके, सो अब राजा राम मोहन रॉय की स्टोरी तो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से उनके चेंजेस आए और किस तरह से वो एक रिफॉर्मर बने। उनकी फैमिली में ही एक प्रॉब्लम हुई थी कि उनके भाई की जो वाइफ होती है, जो भाभी जो थी, उनको जला दिया गया था, सती प्रथा उनके भी साथ हुआ था, तो वो उनको एक शॉक कर गया था, तो उसी से उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आए थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब दयानंद सरस्वती जो थे वो भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उनका भी क्या मानना था कि ये जो आप आइडियल वर्शिपिंग करते हो, इसका मतलब मूर्ति पूजा करते हो, जो रिचुअल्स निभाते आ रहे हो, ये तो सारे वर्थलेस है। एक सन्यासी हो गए थे, वो सन्यासी के तौर पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म की फिलॉसफी क्या है। कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है कि अगर मतलब हम जो प्रथाएं चलती आ रही है विडो री मैरिज की, या हम कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज की, इविल कस्टम्स जैसे कि छोटी बच्ची को जला के दे, मतलब छोटी बच्ची को दूध के कंटेनर में डाल देना, उसे मार देना, ये सारी प्रथाएं क्या हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं लिखी है? तो इन्होंने भी ये सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ओके, सो दयानंद सरस्वती जो थे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, टंकारा विलेज नियर मोरबीन सौराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट, वो वाज द नेक्स्ट रिफॉर्मर, नेक्स्ट रिफॉर्मर वाज द रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस एक हम कह सकते कि इंडियन कल्चर के टॉर्च बेरियर थे, क्योंकि उनका जन्म जो था वो भी कमरपुर कुर विलेज में हुआ था, जो कि बंगाल में है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। और इनके जो हम कह सकते हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। लर्न इन पार्ट टू वी हैव लर्न अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी, हाउ इट स्टार्टेड। इट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी एंड अबाउट वॉट रिफॉर्म्स इट अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी and under the whose leadership, under the Haji Saritullah from Bengal and Sir Sayyid Ahmad Khan from Rai Bareli, इनके leadership के under ही सबसे पहले reformation movement start हुआ था Muslim community में। और किसके वजह से Muslim community में ज़्यादा growth नहीं हो पाई थी? जो orthodox nature था उलेमा का, उनके वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें ज़्यादा राइज, या हम कह सकते कि सेटिस्फैक्ट्री राइज देखने को हमको नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सिख कम्युनिटी के बारे में कि सिख कम्युनिटी में किस तरह से चेंजेस आए, फिर पारसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हम लोगों ने किसके बारे में देखा? ज्योतिबा फुले के बारे में, और उसके बाद में आए ठक्कर बाबा, ठीक है। आई होप यू क्लियर दिस चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वो नोट डाउन करके रखना, जब भी हमारा जूम का लेक्चर होगा तब आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक और बात, आप नोट्स बना कर रखना, नेक्स्ट वीक तक आपके जो नोट्स है वो PDF में मैं भेज दूँगी, तो उसमें से देख कर आप नोट्स बना के लिखना, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर हमारा फिनिश होता है।